केंद्र सरकार ने लश्करे तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को आतंकी संगठन घोषित कर बैन भी लगा दिया है। ये संगठन जम्मू कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार देर रात TRF पर प्रतिबंध लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया। दिल्ली में MCT के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के लिए 6 सदस्यों के चुनाव के पहले आपके पार्षदों ने हंगामा कर दिया। ये मनोनीत सदस्यों की शपथ का विरोध कर रहे थे। आपके पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी का घेराव किया और धक्का मुक्की भी की। इस दौरान वे भाजपा के सदस्यों से भिड़ गए। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में आगामी 2023 को विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने आज जबलपुर में भाजपा के संभागीय कार्यालय में महाकौशल के सांसद और विधायकों से 1-on-1 चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने करीब 3 घंटों तक सांसद विधायक से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन भी मौजूद थे। ग्वालियर में पिछले दिनों कॉलेज संचालक के बेटे की गोली मारकर बेरहमी से हत्या और सबूत छिपाने के लिए शव को जलाने के मामले में गुरुवार को हत्या में शामिल तीसरे आरोपी के घर को पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया, जबकि इस मामले में 2 अन्य आरोपियों के मकान पहले ही जमींदोज किए जा चुके हैं। 14 दिन बाद शुक्रवार से आम श्रद्धालु भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में पूजन अर्चन कर सकेंगे। मंदिर प्रबंध समिति ने वर्ष के आखिरी व नववर्ष के पहले सप्ताह में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई थी। अनुभवी व्यक्ति ने MP के किसान को सलाह दी, किसान ने उस पर अमल किया और अब वह हर साल लाखों रुपए कमा रहा है। बात नर्मदापुरम के किसान मनमोहन अग्रवाल की हो रही है। उन्होंने नीलगिरी यानी यूकलिप्टस के पेड़ की खेती से अपने लाभ को 10 गुना बढ़ा लिया है। इससे उन्हें हर साल करीब 60 लाख की आमदनी हो जाती है। शहर की भार्गव कॉलोनी में दिसंबर में हुई युवती की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। मामले में एक युवक के बारे में जानकारी मिली है। युवक पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही युवती को पढ़ाई करने से मना करता रहता था और नाराज होता रहता था। श्रीलंका ने गुरुवार देर रात दूसरे T20 मैच में भारत को हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। 20वें ओवर तक मैच में रोमांच बना रहा। दोनों टीमें मैच को अपने पाले में करने के लिए लड़ाई लड़ती रही। शुरुआत में ये मैच पूरी तरह श्रीलंकाई खिलाड़ियों के कब्जे में रहा, क्योंकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 3 बल्लेबाज 21 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। 57 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इन दिनों वृंदावन में साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोनों को हाल ही में अपनी बेटी के साथ बाबा नीम करोली के आश्रम में स्पॉट किया गया। कपल श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से मिलने पहुंचे थे, जहां अनुष्का और विराट अपनी लाडली बेटी के साथ बाबा के दर्शन करके दिखाई दिए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और नोरा फतेही अपने रूमर्ड रिलेशनशिप की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल आर्यन और नोरा हाल ही में दुबई वेकेशन पर गए थे। अब उनके कुछ कॉमन लोगों के साथ की फोटो सामने आई है। इन फोटोज को देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और साथ में वक्त बिताने के लिए दुबई गए थे।